पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता में शनिवार को एक जर्जर इमारत की बालकनी का एक हिस्सा गिरने से कम दो लोगों की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में एक बाइक सवार है जबकि एक और पैदल यात्री हैं। वे उस समय उस मकान के नीचे से गुजर रहे थे, उन पर ही बालकनी का एक हिस्सा गिर गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। घायलों का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया है कि जोड़ा साकू थाना क्षेत्र में शाम को हुई इस घटना में एक 20 वर्षीय स्कूटर सवार और 47 वर्षीय एक पैदल यात्री की मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि रविंद्र सरणी पर एक जर्जर 3 मंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल पर बालकनी का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें 2 लोग सड़क पर जा रहे थे, उनकी मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सवार और पैदल यात्री को स्थानीय अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है जबकि घायलों का सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठान में इलाज चल रहा है। 29 सितंबर को भारी बारिश के बाद महानगर के उत्तरी हिस्से में एक इमारत के गिरने से 3 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मकान काफ़ी पुराना है, लंबे समय से कोई मरम्मत नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 मंजिला मकान काफ़ी समय से पुराना था, लंबे समय तक इसमें कोई मरम्मत नहीं हुई थी। हालांकि पुराने घर में कुछ परिवार रह रहे थे। Thank you.